जनरल इलेक्शन 2018 में कौन सा एमएनए है जिसने पूरे पाकिस्तान में सबसे कम वोट हासिल किए और रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुआ, उसका ताल्लुक किस हल्के से है, उसने कितने वोट हासिल किए और उसका ताल्लुक किस पार्टी से है। ये हल्का है NA49 जनूबी वजीस्तान का। मुकम्मल सरकारी रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से कामयाब करार पाए हैं मुतहदा मजलिस अमल के मौलाना मोहम्मद जमालुद्दीन, इन्होंने हासिल किए हैं 7,778 वोट, जबकि दूसरे नंबर पे आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद खान मसूद, इन्होंने हासिल किए हैं 6,591 वोट। आजाद उम्मीदवार ब्रिगेडियर रिटायर्ड कयूम शेर मसूद ने हासिल किए हैं 6,179 वोट। आजाद उम्मीदवार अब्दुल रहीम खान बरकी ने हासिल किए हैं 3,812 वोट। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल ने हासिल किए हैं 3,812 वोट। अवामी नेशनल पार्टी के मलिक जहांगीर खान मसूद ने हासिल किए हैं 2,333 वोट। आजाद उम्मीदवार शेर पाओ एडवोकेट ने हासिल किए हैं 2,146 वोट। आजाद उम्मीदवार मलिक नूर हसन मसूद ने हासिल किए हैं 1,908 वोट। आजाद उम्मीदवार सद्दाम हुसैन मसूद ने हासिल किए हैं 1,225 वोट। इस हलका में इन उम्मीदवारों के अलावा 24 मजीद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद थे, मगर इनमें से कोई भी उम्मीदवार काबिले जिक्र वोट हासिल न कर सका। इस जनरल इलेक्शन 2018 में हल्का NA49 जनूबी वजीरिस्तान से मुतहदा मजलिस अमल के मौलाना जमालुद्दीन पाकिस्तान में सबसे कम वोट हासिल करके कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए हैं।